गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी या एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस के जितने भी टॉपिक्स थे उनके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, एक टॉपिक उसमें से बच रहा था जो मैंने बताया था आपको कि लीनियर इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक आज का है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए, हमारे पास लीनियर इनइक्वेशंस जो होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी। सेकेंड, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। थर्ड, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी। एंड फोर्थ, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। ये फोर टाइप के होते हैं। ठीक है, इनमें से मैं पहले टाइप के बारे में आपको बताऊंगा, उसी से रिलेटेड सारे और भी हैं उनको भी इसी समय हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इसका एल्गोरिथम क्या होता है जानिए। हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि जो हमारा ये इन इक्वेशन दिया है इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई जो लेस देन और इक्वल है वहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो यह एक इक्वेशन बन गया जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो हमारा स्टेप सेकंड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अब हम एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हम जो है निकालते हैं क्रमशः। एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, हम पहले जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर सी वाई बी निकल जाएगी। एक्स जीरो हो गया तो इधर इसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर हम वाई की वैल्यू जीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जीरो हो गया, ए इधर चला आएगा तो सी बाई ए। अब इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बना इसका ए, ए का कोऑर्डिनेट क्या बना, जीरो और सी बाई बी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस पर पॉइंट लाई करेगा, और ये वाला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज करिए पॉइंट बी होगा तो सी बाई ए कॉमा जीरो। तो ये जो होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। फर्स्ट वैल्यू जो एक्स को रिप्रेजेंट करती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और सेकेंड वैल्यू जो वाई को रिप्रेजेंट करती है या वाई एक्सिस पर होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, भुज और कोट हिंदी में बोला जाता है। अब इसे सपोज करिए हमारे पास जो है एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। यहाँ पर हमें पॉइंट ए डिनोट करना है, तो पॉइंट ए में क्या है, एक्स पर जीरो है, तो एक्स पर जीरो है मतलब यहाँ से चलना है, वाई पर चलना है, पॉजिटिव वैल्यू ये है तो सी बाई बी। सपोज करिए यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा ए, तो एक्स जीरो है वाई सी बाई बी हो जाएगा। ठीक, बी को रिप्रेजेंट करना है एक्स पर क्या है, सी बाई ए, सी बाई ए मतलब यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट है ये, और वाई यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट हमारा हो गया बी। अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी कब, जब इसको हम इससे मैच करवा देते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को। ठीक, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है, देखिए सॉल्यूशन जो होता है वह हमारा स्टेप थर्ड में जब हमने लाइन ड्रा कर दिया, ये स्टेप थर्ड हो गया हमारा। अब स्टेप फोर्थ हमारा क्या होगा, स्टेप फोर ये होगा कि अब जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो।
अब इस ओरिजिन को हम इस इन इक्वेशन में रखेंगे। सपोज करिए यहाँ पर मैंने रखा जीरो जीरो, तो जीरो जीरो रखे तो क्या होगा, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू सी। अब सी अगर हमारा सपोज करिए सी क्या है, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अगर सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन का एरिया होगा उसमें ओरिजिन भी इंक्लूड होगा। ओरिजिन इंक्लूड होने का क्या मतलब होता है समझिए, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन का एरिया है उसमें ओरिजिन आएगा, ये एरिया, ठीक। अगर इसको सेटिस्फाई किया, ठीक। ये डार्क लाइन हम ड्रा किए हैं, ये डार्क लाइन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स को भी, ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो पॉइंट्स इस पे आ रहे हैं, जैसे कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ, और ये कोई पॉइंट यहाँ है यहाँ, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होते हैं, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन में होते हैं। अगर ये जो है ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता, तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन अगर होता तो यहीं पर क्या हो जाता, ये जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई करता, नहीं करता, तो जब ना करता तो क्या होता। अब अगर यहाँ पर जीरो जीरो रखेंगे तो क्या होगा, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए इस क्या होगा, ये अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब ओरिजिन हमारे सॉल्यूशन में होगा नहीं। जब ओरिजिन हमारे सॉल्यूशन में नहीं होगा तो हमारे सॉल्यूशन का एरिया क्या हो जाएगा, एबव द लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एबव द लाइन हो जाता है, ठीक है। और जब ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो बिलो द लाइन आता है। ऐसे यहाँ पर अगर लेस देन सी है, स्टिकली है, तो ये जो लाइन हमने डार्क दिखाया है इसको हम डैश डैश लाइन से शो कर देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें ये लाइन नहीं आएगा, सॉल्यूशन जो होगा वह इसके नीचे वाला पार्ट ही शो करेगा, ठीक है। ऐसे इसमें आ जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, कोई यहाँ पर अगर ग्रेटर देन की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज करिए कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसे मैं इक्वेशन बना दिया, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो ये एक इन इक्वेशन रहेगा, ठीक है। इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, पहला स्टेप हमारा कह रहा है, तो क्या होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम ऐसे जो है एक रेक्टेंगुलर टेबल बना देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हम क्रमशः 0-0 रखेंगे, एक्स 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, वाई को 0 रखेंगे तो एक्स क्या निकलेगा हमारे, इसको वाई 0 हो गया, एक्स 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा, सपोज करिए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स 0 हो गया तो वाई 2 हो गया, यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एक्स 3 हो गया वाई 0 हो गया, ठीक है। इसे हम एक्स वाई प्लेन पर जो है ड्रा करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक। तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक। अब हमें ए रिप्रेजेंट करना है, एक्स 0 है वाई पर 2 है, कहने का मतलब 1 और 2 यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं 3, ऐसे पॉइंट्स हम 1, 2, 3 ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। अब एक्स 0 है वाई 2 है तो इसका मतलब ये हो गया पॉइंट ए 0, 2, 3, 0, ये पॉइंट बी 3, 0 हो गया, ठीक है। इसे हम मिला देते हैं, तो ये जो लाइन बनी ये स्ट्रेट लाइन है जो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप फोर्थ में क्या हुआ,
अब हम जीरो जीरो रखेंगे इस दिए गए अपने इन इक्वेशन में, क्या होगा? टू इंटू जीरो, थ्री इंटू जीरो लेस देन इक्वल टू सिक्स, क्या होगा? जीरो इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स। इसका मतलब ओरिजिन हमारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है। तो ओरिजिन जब सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब हो गया कि ये एरिया जो होगा वो सॉल्यूशन का एरिया हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये भी हमारे सॉल्यूशन में आएंगे। आगे बात समझ में? अब देखिए, तो जब ये बाउंड्री पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन में आते हैं तो ये हमारा क्लोज्ड बनाना, ये देखिए ये ट्रायंगल क्लोज बन गया, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी आएंगे, जो बाउंड्री पर हम पॉइंट्स लेंगे ये भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्लोज्ड इंटरवल आप ड्रा कर लेते हो, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल आपका ड्रा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलती है और हम जो है सॉल्यूशन को अच्छे से निकाल भी सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।